कन्वर्सेशन। गुड इवनिंग, वेलकम। गुड इवनिंग। और क्या कर रही थी मैं इतने देर से, पता है? तो ये मिरर को चेंज कर रही थी, इसको न्यू लुक दे रही थी। पहले आपने देखा होगा कुछ और लुक था, तो इस बार मैंने कुछ नया लुक देने की कोशिश की है इसे। तो थोड़ा बहुत इसे चेंज करने के लिए कुछ कुछ कर रही थी इतने देर से मैं, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि घर की क्लीनिंग का रूटीन चल रहा है, तो आज तो दिव्या ने अपने बेडरूम का मेकओवर करने के लिए बहुत सारी हलचल मचा दी है। दिन भर से कुछ ना कुछ करना उसका चालू ही है, तो थोड़ा सा उसी के साथ मैंने भी अपना काम कर ही दिया है। तो अभी हमें ड्रेसिंग टेबल को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। मैं रही जाती है और कोई भी आकर कुछ भी कहीं पे भी रखकर चले भी जाता है, तो बच्चे छोटे हो या बड़े हो तो ये सारी चीजें तो हमेशा ही चलती ही रहेंगी। मॉर्निंग से ही वीडियो शूट करना था, बट घर में और भी बहुत सारे काम थे, तो जैसे कि मैंने बोला दिव्या के रूम का मेकओवर शुरू है और वो खुद ही कर रही है कुछ कुछ चीजें, तो उसमें ही हम लोग दिन भर लगे हुए थे। ऑर्गेनाइज कर दिया है और अब हम चलते हैं दिव्या के रूम में। और यहाँ पे दिव्या झाड़ू मार रही है, अभी झाड़ू कर रही है, और इस बेड को उसने आज पूरा वाइट कर दिया है स्प्रे पेंट से ही, और इस रूम का ऑर्गेनाइजेशन शुरू है। अभी इस अलमीरा को भी वाइट करना है, तो दिव्या इसे अपने अपने अकॉर्डिंग ही डेकोर करने वाली है। बहुत ही जल्द आपको इस रूम का मेकओवर भी मिलने वाला है, तो चैनल को अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमेशा ऐसे ही बने रहिएगा। तो अभी हम लोग तो इस रूम का क्लीनिंग अभी स्टार्ट हो गया है, क्लीनिंग आज हो जाएगा, लेकिन अभी काफ़ी सारे चीज़ें हैं, जैसे कि टीवी को वहाँ वॉल पे माउंट करना है, यहाँ पे स्टडी टेबल आने वाला है, तो इस साइड में हम स्टडी टेबल रखने वाले हैं, और यहाँ पे कुछ आर्ट करने वाले हैं, तो इस वॉल पे ना हम लोग कुछ आर्ट करने वाले हैं, तो वो सब सारी चीज़ें, और काफ़ी खुला खुला सा लग रहा है, बहुत सारी चेंजेस करने की वजह से काफ़ी अच्छा और खुला और फ्रेश लग रहा है अभी ये रूम, और काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है, तो वो अगर हो जाएंगी एक बार तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी हम अपना काम जो छोड़ कर आ गए थे वो काम करना ज़रूरी है। और ये देखिए मेरे बेड की जो हालत है अभी ना बहुत ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि शीरो अगर बेड पे हो और हमारा बेड अगर ऐसा ऑर्गेनाइज रहे तो वो तो हो ही नहीं सकता है, और जीत करके सारी चीज़ों को मरोड़ करके रख देता है। बच्चा है, बिल्कुल बच्चा। ये देखिए क्या क्या करके रखा है, कितना गंदा करके रखा है इसने। ये सब तो मेरा है, पर इधर देखिए, इधर उधर जो मिलता है बस। तो
डिनर में बन रहा है मिक्स वेज पुलाव, क्योंकि अभी सिंपल सा खाना है। सुबह छोले बनाए थे, छोला बनाया था और क्या बनाया था, हाँ छोला चपाती बनाया था और राइस बनाए थे। तो अभी मैं सिर्फ जस्ट सिंपल सा पुलाव बना लूँगी, बिल्कुल सिंपल सा, और रायता बनाने वाली हूँ। ज़्यादा हेवी खाने का मन भी नहीं कर रहा है। और जैसे कि मैं आपको दिखाती, किचन में भी मेरी यह स्ट्रिप इस तरीके से लाइट्स लगा लो ना, तो उस जगह में ना अच्छे से रौनक आ जाती है। तो मुझे तो लाइटिंग्स का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, और लाइटिंग्स होती है तो काम करने में भी एक अच्छी एनर्जी और पॉजिटिविटी मिलती है। तो अपने घर में हर तरह लाइट्स ही लाइट्स लगा के रखी हुई है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा सा एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी मिलती है। अभी मैं फटाफट से अपना ये बना लेती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ। पुलाव के लिए सारी जितने भी प्रिपरेशन है वो करके रख ली है मैंने। यहाँ पे टोमेटो चॉप कर लिया है, अनियन एंड ग्रीन चिली को चॉप कर लिया है, और यहाँ पर मैंने सारी वेज ले ली है जो जो मेरे पास अवेलेबल थी। तो मेरे पास में बीन्स थी, पोटैटो और कैरेट रखा हुआ था, और कॉलीफ्लावर भी रखा हुआ था, और ये है राइस, और ये है रायते के लिए प्रिपरेशन। तो इसमें गाजर, टोमेटो, ऑनियन, चिली और कुकुम्बर, ये सारी चीज़ों को मैंने कस कर रख दिया है, और इसमें दही ऐड कर दूंगी और हमारा रायता भी रेडी हो जाएगा। हम लोगों को बहुत भूख लगी थी तो हमने यहाँ पे फ्राइम्स तल लिए थे अभी थोड़ी देर पहले, और वो खा लिए थे। तो अभी चलिए फटाफट से डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, और आपको कुछ चीज़ें दिखानी है मुझे तो वो भी दिखा दूंगी मैं। जीरा और तेजपत्ता ऐड कर दिया है, अभी ग्रीन चिली, तेल बहुत गर्म हो चुका है, ऑनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ऑयल के साथ ही सारी वेजिटेबल्स को भी मैं प्याज और टमाटर, प्याज और चिली के साथ ही सब्जियों को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लूंगी। सारी सब्जियों को फ्राई करने के बाद में एक घर में बनाया हुआ मसाला होता है, वो जो मैं ऐड करती हूँ जरूर, जिसमें कि सारे गरम मसाले नहीं होते, थोड़े बहुत ही होते हैं। जैसे कि साबुत धनिया होता है, और दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और जीरा, और जावित्री, ये चार पांच चीज़ों से ही बनाती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा फ्रेश बना के डाल दो, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मैं पुलाव या मसाला चावल बनाती हूँ तब वो मसाला तो ज़रूर ऐड करती हूँ, जिससे बहुत अच्छे फ्लेवर आते हैं गरम मसाले के, और इनको थोड़ा सा भुनना होता है। तो अभी मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा है, और ये ना मैंने इस ग्लास में रखा था, एक्चुअली मुझे कोई भी जार नहीं मिल रहा था अभी कुछ दिनों से, छोटे जार ना मेरे अभी अंदर रखे हुए जो मुझे निकालने हैं। और ये बिल्कुल थोड़ा सा ही था तो इसी में रख दिया था मैंने। इंस्टेंट में मिक्स वेज पुलाव सबसे बढ़िया लगता है मुझे, और इसके साथ अगर कड़ी हो तो और भी ज्यादा। कड़ी मेरी फेवरेट है पुलाव के साथ में। बेसिक से मसाले डाल देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, टू टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और जो घर का बना हुआ मसाला है वो लास्ट में जब वाटर वगैरह ऐड कर देंगे उसके बाद थोड़ा सा ऐड करेंगे।
आज इस रायते में चाट मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ बस ऐसे ही सिंपल सर्व करूंगी मैं। सॉल्ट ऐड कर दूंगी, ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। और यहाँ पे हमारी पुलाव भी अच्छी तरीके से कुक हो रहा है। पुलाव हमारा पक रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। फैन ऑन कर दिया है और बेडरूम में आ गई हूँ। थोड़ा सा भी एक्चुअली आज थोड़ा सा मेरे बैक पेन हो रहा है मुझे, क्योंकि इतने में काफ़ी सारे काम हो रहे हैं और पिछले 2-3 दिन से शुभांगी भी नहीं आ रही है तो सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं इस वजह से भी। अब कल से वो आ जाएंगी और एक्स्ट्रा के भी बहुत सारे काम हैं तो उसकी वजह से भी, पर कोई बात नहीं, काम तो है करने तो अपने कोई। चलिए अभी पुलाव बन जाएगा, फिर हम लोग 9:30 बज चुके हैं, आज काफ़ी लेट हो चुका है, वरना इतने बजे तक 8 बजे मैं खाना खा लेती हूँ। कुछ भी हो जाए 8 बजे तक खाना हो ही जाता है हमारा मीन्स मेरा तो भी हो जाता है, मैं तो भी खा लेती हूँ, बाकी सब अपने इसके हिसाब से खाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 8 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लूँ। तो अभी पुलाव बन जाएगा और फिर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या दिव्या ने अपनी रूम के लिए परचेस किया है। सबसे पहले तो एक लैंप लिया है दिव्या ने अपने रूम के लिए लिया है, और ये फ्लावर प्रिंट में इस तरह के मल्टी कलर में दिया हुआ है, काफी अच्छा है, लाइट वेट है, खूब ज्यादा हैवी नहीं है, ज्यादा रफ एंड टफ यूज नहीं है इसका वाला, क्योंकि ज्यादा रफ एंड टफ यूज नहीं कर सकते है। और इसका तो ये पिन भी टूटा हुआ ही है, थोड़ा सा डैमेज, बट यश ने बोला कि वो कर देगा, तो भी रिटर्न नहीं करना था उसे, और उसे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था तो ये एक परचेस किया है उसने। 600 समथिंग का कुछ हुआ है, और एक ये मैक्रेम का लिया है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है मुझे, बहुत ही क्यूट लग रहा है ये मैंने ही पसंद किया था, तो ये शायद अब मैं अपने रूम में भी लगा सकती हूँ, या वो उसे लगा रहे तो वो भी लगा सकती है। ये 350 का समथिंग कुछ हुआ था, तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, ये मैंने अमेजोन से परचेस, लाइट फ्लिपकार्ट का है और ये अमेजोन से लिया हुआ है। ये क्या है, ये कौन सा फुटबॉल है, बॉल लिया है दिव्या ने, बॉल नहीं है ये, पू है मुझे नहीं पता, बट ये एक ले लिया है उसने, और ये 347 रुपीज का है, यानी 350 से कम में मिला है उसे, और इसमें येलो कलर था, एक वाइट भी था शायद से, तो ये एक लिया है उसने उसके ही रूम के लिए। अब वो अपना रूम डेकोर कर रही है तो एक एक करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ें परचेस कर रही है। येल्लो के अकॉर्डिंग इसे ये वाला कलर, ये जो कलर है ना, ये कुछ मेजेंटा टाइप का है, मरून मेजेंटा टाइप का है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, ये एक लिया है उसने, 347 रुपीज का लिया, और काफ़ी अच्छा है, रिजनेबल प्राइस में है ऐसा मुझे भी लगता है। एक एसी क्विट लिया है उसने, और ये 1000 रुपीज का समथिंग कुछ था, 1049 रुपीज का था, ये अमेजोन से परचेस किया है उसने। ओपन नहीं करूंगी, सिर्फ ऐसे ही आपको दिखा दूंगी। पिंक कलर का है ये, लाइट बेबी पिंक और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में है, तो उसने अपने अकॉर्डिंग ये परचेस किया है, और ये सिंगल बेड के लिए है, एसी क्विट है ये, तो ये एक परचेस किया है उसने, और ये 1049 रुपीज़ का लिया है। नेक्स्ट मैंने ये अपने काम की चीज़ें परचेस की है, जैसे कि ये ना फोटो फ्रेम्स वगैरह, जो फोटो फ्रेम्स है या कुछ भी जैसी चीज़ें, कुछ हैंग वगैरह करने हो ना, उसके लिए ये पिंस बहुत अच्छे होते हैं,
और इसके लिए कोई ड्रिलिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती है, आप इजीली इसे वॉल में पिन कर सकते हो। जो अपनी हैमर होती है ना उसके थ्रू इसे पिन कर दो और ये आपके बहुत ही यूज फोटो फ्रेम्स के लिए होती है, या अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी हुई इस तरीके के हुक्स भी दिए हुए हैं। मुझे ना वो स्टिक वगैरह टेप वगैरह उतनी कुछ ये नहीं लगी क्योंकि बार बार वो फ्रेम्स नीचे गिर जाती है, तो ये 277 रुपीज में काफ़ी सारे है ये पिंस इस तरह से एक बॉक्स में पैक करके आए थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप किसी को परचेस करना हो, ड्रिलिंग वगैरह ना करनी है आपको, आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो आप उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, कोई ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी हम हाउसवाइफ के लिए तो ड्रिलिंग वगैरह करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ड्रिलिंग के लिए कोई जेंट्स पर्सन हो तभी ही अच्छे से हो जाती है, तो उस लेडीज के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, यूजेबल है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिव्या ने अपने बेडरूम के लिए ली दी है, अपने बेडरूम का अभी वो रिनोवेट कर रही है। और एक चीज़ ली हूँ मैंने, वो आपको दिखा दी, ग्लॉसी पेपर से, ये वॉल पेपर से, वॉल या फर्नीचर आप किसी पे भी यूज़ कर सकती हो। दिव्या को वाइट ही चाहिए था और आज आपने देखा कि वाइट उसने अपने बेड को भी किया है, उसे अपनी अलमीरा को भी वाइट ही करना है, तो उसने ये वाइट कलर का वॉल पेपर लिया है। ये बहुत ही छोटा आया है, खूब ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये 548 में दोनों भी आए हैं, बस ये इतने ही हैं। इसमें कैसा होगा, मैंने उसे थोड़ा सा आइडिया दिया है कि उसे कैसे लगवाना है, ये इतना होगा नहीं और एक हमें परचेस करना ही पड़ेगा। उसी क्विल्ट है ना, ऐसी क्विल्ट है ना, बहुत ही अच्छे है, क्योंकि मैं जो ऑरेंज पिंक और येलो कलर वाला यूज़ कर रही हूँ ना, इस विंटर में मुझे एक्स्ट्रा कोई भी ब्लैंकेट या बेडशीट या चादर कुछ भी नहीं लगी, एक ही क्विल्ट में बहुत अच्छा और अच्छा वॉर्म था, वो उसी में बहुत अच्छे से ठंडी भी निकल गई हमारी, तो अच्छे थे वो। एक्चुअली इसके पहले मैंने होम सेंटर से एक क्विल्ट खरीदा था 5000 में, वो लिया था मैंने, बट मुझे वो बिल्कुल कभी भी पसंद ही नहीं आता था, उसमें मुझे ठंड ही लगती थी हमेशा ही, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये वो मैंने ये 1000 का है वो 1500 का हुआ था, डबल बेड वाला, तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ही अच्छे है। अगर आप चाहो तो मैं लिंक सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। तो अभी हमारा पुलाव बिरयानी क्या बन रहा है, कैसा बनना है वो देखना तो बनता ही है, तो चलिए। तो ये है आज का सिंपल सा लंच, और ये काफ़ी टेस्टी और यमी और हेल्दी लंच है, लंच नहीं डिनर, सॉरी डिनर, और यही है आज का हमारा डिनर। तो अभी मैं डिनर करूँगी और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।